अस्सलाम वालेकुम। हाय मेरे वेवर, सब कैसे हो? ठीक ठाक। आज मैं बना रही हूँ मोरिंगा के फलियों का दाल के साथ सालन। ठीक है, ये मोरिंगा के फलियाँ हैं जिस तरह मैंने साफ करके काट के रखी हूँ। एक पाव मैंने दाल ली हूँ और इसमें जाएगा 2 टमाटर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल चूरा मिर्ची और नमक हसबे जायका। ठीक है, और तड़के के लिए मैंने रखी हूँ लहसुन, प्याज, सफ़ेद ज़ीरा, 2-3 हरी मिर्ची, और टेस्ट आने के लिए थोड़ा कैरी काट के रखी हूँ। टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा, जायका आ जाएगा। ये देखो वेवर्स, अभी दाल बिल्कुल रेडी है। सही है। अब इसमें मैं ये मोरिंगा की फलियाँ मैंने डाल दी हूँ। 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 से 8 मिनट के अंदर ये फलियाँ गल जाएंगे। थोड़ा सा और इसमें मैं पानी डालूँगी, थोड़ा सा, आधा आधा गिलास, और उसके बाद तड़का लगाऊंगी। और ये कैरियाँ मैंने बताई थी ना, तो टेस्ट के लिए। अब दाल और फली बिल्कुल रेडी है। अब मैं तड़का बना रही हूँ। तड़के का तेल हसबे जायका, मैं थोड़ा तेल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने लहसुन डाल दी हूँ और पहले प्याज डाल दी हूँ, क्योंकि सफ़ेद ज़ीरा लास्ट में डालूँगी। अभी लाल हो जाएगा। हाँ, ये देखिए प्याज और लहसुन कलर चेंज हो गया। अब मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाली हूँ, वो लाल मिर्ची भी डाल सकती हूँ जिस वक्त मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये तड़का बिल्कुल रेडी है, ये देख रहे हैं आप लोग। अभी इसको मैं दाल में डाल रही हूँ। तरीके से बताती हूँ, तो इसी में थोड़ा सा दाल आप ऐड करके इसमें डाल दें। ये आपका तड़का रेडी हो गया, ये देख रहे हैं। और थोड़ा सा जायका लाने के लिए मैं हमेशा काली मिर्च यूज़ करती हूँ, कि थोड़ा सा जायका जो है इससे अच्छा होगा। और ज़रूर ट्राई करें, बनाएं दाल पल्ली बना के, और मुझे ज़रूर बताएं कैसे लगा आप लोगों को मेरा ये डिश। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।